डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने लगे हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन अ रेजिस्टर। अब इलेक्ट्रिकल पावर को समझने के लिए हमें बैटरी का पता होना चाहिए। बैटरी क्या है? बैटरी सोर्स है एनर्जी का। हम पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर वो रेट जिसके ऊपर बैटरी एक्सटर्नल सर्किट को पावर सप्लाई कर रही होती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर का नाम देते हैं। द रेट एट विच बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द पावर आउटपुट आर इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी। द रेट एट विच बैटरी सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम किस चीज का नाम देते हैं? पावर आउटपुट का नाम देते हैं या इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी का नाम देते हैं? इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक सर्किट है जिसके साथ मैंने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है और इस बैटरी के अक्रॉस सीरीज में मैंने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है। अब आपको पता है, हम लोगों को, हम जानते हैं कि हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो हम करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट लेते हैं। मतलब आपके पास जो करंट है वो पॉइंट ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। द पावर ऑफ बैटरी अपीयर एज पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर, इस फिग के अंदर हमें ये नजर आ रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं, कंसीडर अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ई। एक सर्किट ले जिसमें आपने एक बैटरी ई ली है और इसके साथ आप सीरीज में एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। इससे करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। जैसे ही इससे करंट फ्लो शुरू करता है तो हम इसके लिए, इसके जो टर्मिनल्स हैं, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? वो बी है। ए और बी, इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बी है। अब देखें, ये जो टर्मिनल ए है ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और जो बी है ये बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। अब हम कहते हैं कि जो टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है उसको हम कहते हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे है और जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट है तो उसको हम कहते हैं कि ये लोअर पोटेंशियल के साथ है। तो यहाँ जो टर्मिनल ए है, टर्मिनल ए इज एट हाई पोटेंशियल और टर्मिनल बी जो है इज एट लो पोटेंशियल, टर्मिनल बी लो पोटेंशियल पर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप जानते हैं कि आपको चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाने के लिए वर्क करना पड़ता है। तो वो जो वर्क डन होता है ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर नंबर 12 के टॉपिक के अंदर पढ़ा था। जो हमारे पास वर्क होता है ये किसके बराबर होता है? वी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू वी या क्यू वी या वी डेल क्यू। अब हम इसको ड्राइव करते हैं। ऊपर कीजिएगा सर, अब हम इसको ड्राइव करते हैं। हमें इलेक्ट्रिकल पावर का पता है। इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है ये है एनर्जी सप्लाई पर यूनिट टाइम। तो यहाँ आपको जो एनर्जी है वो हमने पढ़ा था, वो वर्क डन के बराबर होती है। वो किसके बराबर होती है? वी डेल क्यू के बराबर होती है। अब आप डेल क्यू और वी को अलहदा कर लें, वी मल्टीप्लाइड बाय डेल क्यू ओवर डेल टी। और आप जानते हैं करंट की डेफिनेशन, एक करंट की डेफिनेशन आप जानते हैं कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है? डेल क्यू ओवर डेल टी होती है। तो यहाँ पर आप वी के साथ डेफिनेशन लिख देते हैं, डेल क्यू ओवर डेल टी की जगह के ऊपर आई लिख देते हैं। अब हम बेटा इस को पावर डिलीवर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। पावर जो डेसिपेट होती है, पावर किसके बराबर होती है? ये इलेक्ट्रिकल पावर पी इज इक्वल टू वी आई के बराबर होती है।
और अगर आप वी की वैल्यू पुट करते हैं ओम्स लॉ की मदद से वी इज इक्वल टू आई आर, तो पावर जो होगी वो आपके पास बेटा किसके बराबर आ जाएगी, पावर आपके पास बराबर आ जाएगी पी इज इक्वल टू आई आई पुट इसकी वी की वैल्यू पुट की है तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये आपके पास जो कम्बिनेशन है ये वो कम्बिनेशन है जब आप रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पर अगर आप इसको पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दें तो ये आपके पास जो फार्मूला आएगा दैट इज वी स्क्वायर ओवर आर का फार्मूला आएगा। तो ये है बेटा आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर जो आपने फाइंड आउट की। कैसे फाइंड आउट की? द रेट एट विच बैटरी सप्लाइंग एनर्जी टू एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट को जो बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है वो उसकी क्या है? पावर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईएमएफ। अब ये ईएमएफ क्या है इसको ऊपर कीजिएगा सर। अब आप बेटा एक बात करते हैं ईएमएफ के बारे में। आप ईएमएफ के बारे में क्या बात करते हैं? आप बात करते हैं कि आपके पास कोई बैटरी है जो 3 वोल्ट की है, कोई बैटरी है जो 4 वोल्ट की है, कोई बैटरी है जो 5 वोल्ट की है। ये आपके पास बैटरी है और उसके आप ताकत बता रहे हैं। सादा लफ्जों में स्ट्रेंथ ऑफ सेल, अगर आप इसकी सादा तरीन डेफिनेशन करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। तो बेटा एक चीज मुझे ये समझ लग गई कि बैटरी अगर सर्किट को एनर्जी सप्लाई कर रही है या नहीं कर रही उसकी ताकत होती है। तो अगर वो सप्लाई कर रही है, आपके घर में बड़ी बैटरी लगी हुई है तो वो 4 पंखे चलाएगी, छोटी बैटरी लगी हुई है तो वो 1 पंखा चलाएगी। हर बैटरी की एक खास पावर होती है, हर बैटरी की खास स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ को हम ईएमएफ का नाम देते हैं। तो हम अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो है वही पोटेंशियल कि आपके पास वर्क 2 पॉइंट के दरमियान का पोटेंशियल है जब वो किसी सर्किट के साथ कनेक्ट ना हो, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। तो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? व्हेन द सर्किट इज ओपन, कि जब सर्किट में से करंट पास ना हो रहा हो तो उसे हम ईएमएफ का नाम देते हैं। अब जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सोर्स ऑफ कोई भी सोर्स है, हमने सोर्स ऑफ करंट के अंदर पढ़ा था, बैटरी भी है, सेल भी है, कोई भी आपके पास सोर्स है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है, आप उसे किसी रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, तो हमने सोर्स ऑफ करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। सोर्स ऑफ करंट का काम क्या होता है? सोर्स ऑफ करंट का काम होता है पोटेंशियल को मेंटेन करना, कांस्टेंट पोटेंशियल करना। तो अगर आप इस रेजिस्टर को किसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो सोर्स इस सर्किट के अंदर करंट को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। अब जो सर्किट के अंदर बैटरी है ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी सप्लाई कर रही है, ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी क्या कर रही है? सर्किट को सप्लाई कर रही है। और जब एक स्टेडी करंट सर्किट के अंदर स्टेबलाइज हो जाता है तो चार्ज जो होता है वो इस सर्किट के अंदर से पास होता है। अब आप इसको यूं बात कर सकते हैं कि ईएमएफ इज द काज एंड पोटेंशियल इज इट्स इफेक्ट। मतलब अगर किसी सेल की ईएमएफ ही नहीं है, अगर सेल किसी सेल की स्ट्रेंथ ही नहीं है तो वो चार्ज को कैसे फ्लो करवाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर? तो आप देखते हैं कि जब घरों की बैटरियां खत्म हो जाती हैं तो आपके पंखे चलना बंद हो जाते हैं, आपकी लाइट्स चलना बंद हो जाती हैं, आपके फ्रिज चलना बंद हो जाते हैं, जो जो चीज आपकी बैटरी के ऊपर चल रही हो वो बंद हो जाती है, क्योंकि अब जो है वो टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल मेंटेन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा होता और आपके घर की जो चीजें होती हैं वो बंद हो जाती हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ईएमएफ इज द काज एंड पोटेंशियल इज इट्स इफेक्ट। मतलब किसी बैटरी की कोई स्ट्रेंथ होगी तो वो पोटेंशियल को प्रोड्यूस करेगी, अदरवाइज वो पोटेंशियल को प्रोड्यूस नहीं करेगी। सर ऊपर कीजिएगा।
अच्छा बेटा, अभी जैसे हमने इसकी डेफिनेशन की कि करंट जो होता है वो हाई पोटेंशियल पे लीव करता है। अब यहाँ पर आपके पास द सोर्स सप्लाई डेल डब्ल्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आप लो टू हाई के ऊपर चार्ज को लेकर जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। तो आप एनर्जी सप्लाई टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस तरह भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू डेल के डेल डब्ल्यू ओवर डेल क्यू। इसका यूनिट भी क्या होगा, इसका यूनिट भी आपके पास बेटा, ये आपके पास जाउल पर कूलम होता है, जो वोल्ट के बराबर होता है। तो याद रखिएगा कि ईएमएफ का और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, उसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि अगर आपके पास बैटरी सर्किट के अंदर मौजूद है और वो सर्किट का स्विच ओपन है तो उस बैटरी की स्ट्रेंथ होगी। अब बेटा हम इनके दरमियान क्या देखते हैं, इनके दरमियान हम पोटेंशियल डिफरेंस को और ईएमएफ को कंपेयर करते हैं। ये आपके सामने दो फिग नजर आ रही हैं, सर ऊपर कीजिएगा। ये देखें, आपके सामने पहले फिग ए और फिग बी आपको आपने देखी। अब यहाँ पर आप फिग बी को देखें और फिग यहाँ पर सी को देखें। यहाँ आप एक वोल्ट मीटर को क्या कर दें, इसके टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्ट कर दें। द ईएमएफ सेल यहाँ पर आपके पास बी के अंदर ईएमएफ जो है ये सर्किट की ये ओपन के अंदर दिखाई गई है और यहाँ पर यह क्लोज की आपको ईएमएफ दिखाई गई है। यहाँ पर आपके पास एक और चीज आती है कि अगर आप बैटरी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्योंकि अगर आपने बैटरी को हाथ लगाया हो तो बैटरी क्या हो जाती है, तो बैटरी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। बैटरी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो हम इसको यूं डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेंथ जो होती है ईएमएफ, जो स्ट्रेंथ होती है वो आपके पास इसकी, देखें एक बैटरी है, आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो गर्म हो जाता है, आपके घर के अंदर जो बैटरियां लगी हुई हैं आप उसको हाथ लगाते हैं वो गर्म हो जाती हैं। तो आप इसको बेटा क्या नाम देते हैं, आप इसको नाम देते हैं कि आपके कि आप इसको नाम देते हैं कि विद इन द सेल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से भी क्या पैदा होती है, रेजिस्टेंस पैदा होती है। और उस रेजिस्टेंस को हम किस चीज का नाम देते हैं, उस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। एक तो यहाँ आपके सामने सर्किट की रेजिस्टेंस है, अब जो बैटरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस बैटरी की वजह से भी सेल की रेजिस्टेंस होती है, और उस रेजिस्टेंस को हम किस चीज का नाम देते हैं, उस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस वजह से होती है, ये विद इन द सेल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होती है। जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं तो चार्ज के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की वजह से सेल के अंदर क्या पैदा हो जाती है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, और उस रेजिस्टेंस को आप इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ आपके पास सर्किट के अंदर दो रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होंगी, एक रेजिस्टेंस को आपने सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट की है और दूसरी रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगी, दूसरी रेजिस्टेंस विद इन द सेल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होगी। तो हम इसका जो एक्सप्रेशन ड्रा करते हैं उसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं, ओपन कीजिएगा सर। ये देखें, ये आपके पास यहाँ जो डॉट की शक्ल में आई हुई है ये सेल की रेजिस्टेंस है। ये आपके पास क्या रेजिस्टेंस है, ये सेल की रेजिस्टेंस है। अब आपके पास जो फार्मूला होता है करंट का फार्मूला होता है वी ओवर आर। यहाँ ईएमएफ इज द काज एंड पोटेंशियल इज इट्स इफेक्ट। तो यहाँ आपके पास आप वी की जगह के ऊपर ई लिख दें और आर की जगह के ऊपर आप क्या करते हैं,
आर की जगह के ऊपर आप स्मॉल आर प्लस आर कर दें तो आपके पास जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, ई ओवर आर प्लस आर। तो यहाँ बेटा अगर आप ई की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो आई आर प्लस आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। यहाँ पर ये जो आई आर है इसको आप टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं और इसकी जगह के ऊपर आप वी टी भी लिख सकते हैं। ये स्मॉल आर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर आप टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ईएमएफ में से आई आर को माइनस कर दें। अब जब आपके पास स्विच ओपन होगा तो करंट पास थ्रू द रेजिस्टर, इन दिस केस वोल्ट मीटर रीड द ईएमएफ एज टर्मिनल वोल्टेज। और जब आप टर्मिनल वोल्टेज को स्विच ऑन कर देते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो ईएमएफ से क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। तो टर्मिनल पोटेंशियल के ये आपके पास दो केसेस हैं कि जब आप स्विच को ऑन करते हैं या स्विच को ऑफ करते हैं। तो बेटा ये आज हमने इलेक्ट्रिकल पावर और ईएमएफ का कंपैरिजन, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का कंपैरिजन पढ़ा।